वेंकटेशाय श्रीशैले सदया पात्रं श्रीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवनं वंदे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारंभां नाथयामुनमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितरानि तृणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोस्यदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपत्ये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगहृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत कल्याणिक तान भगवान श्रीमन नारायण के श्री वेंकटेश भगवान के दिव्य अनुकंपा से आज हम एकादशी का जो महात्म्य है उसका जो विवेचन शास्त्रों में किया गया है, जो बहुत काल से हम लोग उसको अपने जीवन में आचरण में लेते आ रहे हैं, उनका महत्व क्या है, वे सभी विषय हम लोगों के लिए क्यों प्रतिपाद्य हैं, क्यों हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का हम आज एकैकशः प्रतिपादन करेंगे। और जो मुख्य आज एकादशी है, जो कि विजया नामक एकादशी से जानी जाती है, उस फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और एक बात यहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए कि व्रत किस लिए किया जाता है, व्रत का मायने क्या होता है, महत्व क्या होता है, क्योंकि हम अनेक जन्मों से इस भूधरा पर विचरण करते हुए अपने बारे में समुचित जानकारी न होने के वजह से कई सारे गलत चीज़ों में हम पढ़ते हैं। अपने आत्मा के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम भगवत विमुख होकर उसी विषय को सत्य समझकर हम समझते हैं कि यही हमारा जीवन का आधार है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है जीवन में पाने के लिए। सो लौकिक चेष्टाओं को ही हम अपने जीवन का प्रमुख सुख का साधन मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि कहा गया है मना एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। जो मन है ना, उस अगर मन को हम नियंत्रण में रख लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तो उस मन के प्रभाव से हम किसी भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर हम गलत चीज़ों में पड़ेंगे, अगर हम गलत संगति में पड़ेंगे, तो उस संगति के प्रभाव से हमारी भी जो मन की चेष्टा होगी वो गलत चीज़ों में ही जाएगी, क्योंकि इस संगति के वजह से ही सही और गलत चीज़ों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए हमें यथासंभव जितना हो सके उतना हमें अच्छे नियमों में अपने आप को बांध कर रखना चाहिए। अच्छी संगतियों का हमें असर भगवान की ओर लेकर जाता है, अच्छे कर्मों के लिए हमें प्रेरित करता है और भगवान के कृपा का पात्र बनाता है। लेकिन बिना किसी साधन के, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी व्रत के साक्षात भगवान में लीनता भी संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि बड़े बड़े योगी भी कई सालों तक भगवान की तपस्या करते हैं, मनन करते हैं, तो भी विरले ही भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। ऐसे में सामान्य मनुष्यों के लिए जो अनादिकाल से इस संसार सागर में पढ़कर दुख ही दुख भोग रहे हो, जिनको अपने बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, सब कुछ समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर के ऊपर और कुछ आत्मा नामक विषय है ही नहीं, ज़्यादातर लोगों के मन में यही धारणा बनी रहती है। अगर सच में आत्मा नहीं होता तो हम इस शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं या शरीर ही कर रहा है, लेकिन सोचिए अच्छा खासा हम जिंदगी जीते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं,
अपने विषयों को लोगों तक पहुंचाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन एक दिन शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सोचिए, अगर कोई आत्मा अंदर नहीं होता तो इस शरीर का व्यवहार, इस शरीर का नियमन कैसे हो पाता? यानी कि कोई आत्मा नामक चीज हमारे शरीर में पहले से ही थी, जो नियंता के रूप में इस शरीर का धारण करते हुए हमें सभी कर्तव्यों में वो लगाकर हमें आगे बढ़ा रहा था। तो इस आत्मा के बारे में समुचित जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है और कहा गया है, आत्मभूता स्वतः सर्वे ख्यात्मान परमात्मनः। जितने भी आत्माएं हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्राणियों के रूप में विद्यमान रहती हैं, वे सभी स्वतः भगवान के दास रूप होते हैं, दास ही होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। भले कोई माने या ना माने, भगवान के सब संपत्तियां होती हैं। भगवान अपना मानते हैं लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान बार बार अनेक अवतारों के रूप में, अनेक आचार्यों के अवतरण कराकर उनके माध्यम से यह जानकारी समय समय पर देते रहते हैं कि देखो, तुम्हारे मोक्ष का साधन यही है, बहुत ही सरल है, शरणागति कर लो, भक्ति मार्ग पर चलो। और मैं इतना सरल हूँ कि अगर मेरे ओर एक कदम डालोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर दौड़ूंगा, तुम्हें अपना कर अपने धाम को ले जाऊंगा। काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नजामि परमां गतिम। भगवान बोल रहे हैं कि अगर एक बार शरणागति, एक बार भक्ति भाव से कोई भक्त मुझे अपने हृदय में स्थान दे देता है, अपने हृदयारविंद में रख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ। वो व्यक्ति भले ही अपने मृत्युशय्या पर होते हुए मुझे भूल जाए, लेकिन अहम स्मरामि मद्भक्तम नजामि परमां गतिम। ऐसे अपने भक्त को मैं खुद स्मरण करता हूँ और अपने दिव्य धाम की ओर ले जाता हूँ। यह है भगवान की महिमा, यह है भगवान की दयालुता। ऐसे भगवान के होते हुए भी दयालु, इतने दयालु हैं कि एकमात्र प्रणाम करने से भगवान सोचते हैं कि मैं इसको क्या दूं, इतना भी देते हैं वो कम समझते हैं। हम भगवान की ही कृपा से शरीर पाते हैं, अच्छे संस्कारों से संस्कृत होकर हम अनेक कार्य करते हैं जिसका हमारा नाम होता है, कुल का नाम होता है, ऋषियों का नाम होता है, देश का नाम होता है, लेकिन इन सभी का जो मूल कारण है उन भगवान को हम पहचानते नहीं हैं, इसका श्रेय नहीं देते हैं। इसीलिए अनादिपापरचिताम अंतःकरण निष्ठिताम यतीन्द्र विषये सान्द्राम विनिर्वासय वासनाम। भगवान रामानुज से यह प्रार्थना की जाती है कि अनादिपापरचिताम अंतःकरण निष्ठिताम, अनादिकालों से मेरे मन में जो यह पाप निष्ठित हो गया है, गढ़ सा गया है, ऐसे पाप के वासनाओं का आप दूर करिए। हे प्रभु, आपके बिना इस पाप के जो विषय हमारे मन में इतने जन्मांतरों से पड़े हुए हैं, इनको निकालना और किसी से संभव नहीं है। इसीलिए यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगीन्द्र यावत् देहं प्रवर्तय। और मेरा जीवन भी ऐसा ही करे आप कि मैं किसी ना किसी रूप से बंधुजन, जो भगवान के स्नेही जन हैं, जो भागवत लोग हैं, उनका किसी प्रकार का अपचार न करूं, दिल को न दुखाऊं। क्योंकि भगवान अपने विषय में अगर कोई गलती करता है, अपचार करता है, तो उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान कृपई का सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। लेकिन भगवान के भक्त के विषय में अगर कोई अपचार करे तो भगवान कभी भी उस गलती को, उस चेष्टा को कभी भी माफ़ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। ऐसे अपचार को असक्ष्यापचार बोला जाता है। और इस असक्ष्यापचार के लिए उस भागवत के सानिध्य में जाकर क्षमा याचन करने से ही उस अपचार से छुटकारा मिलता है, न कि भगवान के पास जाकर भगवान से विनती करने से। भगवान के विषय में करोगे आप तो भगवान से विनती कर, भगवान उस क्षमा से, उस गलती से आपको क्षमा याचन देकर आपको निवृत्त कर देते हैं। लेकिन भागवत जन के विषय में अगर आप गलती करते हो, अपचार करते हो, उनका दिल दुखाते हो, तो उन भागवतों के शरण में जाकर ही उनके माध्यम से आप उस अपचार से छुटकारा पाओगे। इसलिए बोलते हैं यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि। भगवान और उनके जो भक्तगण भागवत हैं, इनके विषय में
कभी भी अपचार न हो। इसलिए यथापराधान सुर में भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत् देहं प्रवर्तय। जब तक मैं इस भूधरा पर हूँ तब तक मेरी जो जिंदगी की दशा है ऐसी ही बनी रहे। आपके ही ग्रंथों का मैं अनुसरण करता रहूं, जिसके माध्यम से भगवान के विषय में भक्ति हमेशा बनी रहे और मैं भगवत भक्तों का कभी अपचार न कर पाऊं। तो ये सब आत्मा के विषय में अगर अच्छी जानकारी हो जाए शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान हमारे स्वामी हैं और जो मैं आत्मभूत हूँ, जो शरीर का संचालक हूँ मैं, या इस अनित्य जो शरीर है उसके माध्यम से कुछ दिन मैं भगवान के प्रिय कार्य कर पाऊँ और अंततो गत्वा भगवान के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करूं, ऐसा कर्म करूं कि भगवान के मुखोल्लास हो, भगवान के मन में संतुष्टि हो कि चलो इसको मैंने भूधरा पर भेजा तो कुछ तो भागवतों के लिए, कुछ तो मेरे मुखारविंद के उल्लास हेतु कुछ तो अच्छे कर्म किए। तो भगवान के लिए ही हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भगवान जो परम पिता हैं हमारे सभी के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, इत्यादि श्लोक से हम स्पष्ट जानते हैं कि भगवान ही हमारे सत्य माता पिता हैं, भगवान ही हमारे सच्चे बंधु हैं, वही धन है हमारे, वही सब कुछ हैं। तो ऐसे भगवान से विमुख होकर हम लौकिक विषयों को जो अनित्य हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है भगवान के बिना, ऐसे चीज़ों को हम नित्य परम मानकर उसी के पीछे भागते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कारणं तु ध्येयः, सभी विषयों को जो कारण है, जो परम पुरुषार्थ का दाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख कोई समझता है कि धन ही है, करोड़पति बन जाएंगे, बड़े बड़े मकान होंगे, गाड़ियाँ होगी तो हम लोगों के नज़रों में पड़ेंगे, हमें लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा धनवान है, प्रतिष्ठित आदमी है, लेकिन ये सब क्षणभंगुर है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है, आज रहेगा कल जा भी सकता है। शरीर ही अनित्य है तो बाकी शरीर के माध्यम से संपादन किए जाने वाले विषयों का कोई अस्तित्व बनता ही नहीं है। इसीलिए हमें इन जो अल्पकालिक सुख हैं, इन अल्पकालिक सुख से बढ़कर जो नित्य शाश्वत सुख देने वाले जो भगवान हमारे हैं, उन भगवान की शरणागति करनी चाहिए, उन भगवान की हमें अनेक व्रतों के माध्यम से आराधना करनी चाहिए ताकि हमेशा हमारा मन भगवान के ही नित्य चरणों में लगा रहे और हम भगवान के कृपा के पात्र बन पाए। और ऐसे सुख को हम कहते हैं मोक्ष, क्योंकि मोक्ष के अलावा और कोई परम सुख हो ही नहीं सकता है। जितने भी लोग कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो गए, यानी कि भगवान के दिव्य सानिध्य, जो मतलब शैव हो वो शिवलोक को प्राप्त हो सकता है, जो भगवत स्नेही लोग होते हैं वो भगवान के दिव्य धाम जो वैकुंठ बोला जाता है उसे प्राप्त करते हैं। तो अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने आचार्यों के अनुसार जो भी दिव्य पथ आपको दिखलाए जाए उनका सही अनुसरण हमें सात्विक मन से करना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में राजसिक प्रवृत्तियां, तामसिक प्रवृत्तियां ज़्यादा रहती हैं। संसार में रहते हुए भगवान के चरणों में नित्य मन लगाकर रहना बहुत ही असाध्य माना जाता है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम इस संसार सागर में पड़े हुए हैं, उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, क्षण मात्र में तो हम उसे गायब कर नहीं सकते। इतने बड़े हम तपस्वी, इतने बड़े महामुनि तो है नहीं, बड़े बड़े महामुनि भी तपस्या करते 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 कभी उसे भंग होकर, उससे कभी च्युत होकर भगवान के इतर अन्य लौकिक विषयों में भी लग जाते हैं, जैसे कि हम विश्वामित्र को जानते ही हैं। अन्य ऐसे बहुत सारे महर्षि हुए हैं जो अनेक कालों तक, अनेक करोड़ों दिव्य वर्षों तक भगवान का तपस्या तो करते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी अपने जो निश्चल भक्ति है उससे कुछ समय के लिए च्युत होकर अन्य लौकिक जो विषय हैं उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी तपस्या का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम सामान्य जो जन हैं, हमें कम से कम भगवान के चरणारविंद की स्मृति रखने के लिए जो शास्त्रों में बतलाए गए साधन हैं, जो व्रत हैं, अनुष्ठान है, भगवान का ब्रह्मोत्सव इत्यादि जो मंगल कार्य हैं उसमें अपने आपको प्रवृत्त रखे रहना चाहिए। तपस्वियों की तरह तपस्या करने की जरूरत नहीं है, शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाकर ही बैठ जाएं, क्योंकि जो निवृत्त रागानाम गृह एव तपोवनम,
जो निवृत्त राग हैं, जिनके मन से राग हट गए हैं, उनके लिए घर ही तपस्या का स्थल है। आप जंगल में जाओगे, वहां पर जाकर सोचोगे कि कोई एकांत स्थान है, वहां पर बैठकर मैं तपस्या करकर भगवान को प्राप्त कर लूंगा। लेकिन मन में अगर आपके राग द्वेष इत्यादि जो षड आरिवर्ग हैं उनको आप नहीं निकालोगे, तो फिर आप वन में रहें चाहे घर में रहें, आपके लिए एक ही है। घर में रहते हुए भी अगर आप इन सभी षट अरिवर्गो से विमुक्त हैं, वैराग्य से संपन्न हैं आप, और भगवान के चरणारविंदों में आपकी बुद्धि लगी है, तो आप ही परम तपस्वी हैं, आप ही सबसे बड़े मुनि हैं। इसीलिए हमें अपने मन के जो कचड़े हैं, जो कुबुद्धियां हैं, उसे हमें निकालनी चाहिए। और इसको निकालने का सबसे परम साधन यही है कि हम जो अपने आचार्यों के माध्यम से बताए गए मार्ग हैं, जो अनुष्ठान हैं, जो कर्तव्य हैं, उसे हमें सही समय पर निभाना चाहिए। क्योंकि इन शास्त्रों का जो वचन है ना, यह भगवान की ही आज्ञा माने जाते हैं। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी मम द्रोही मद्भक्तोपि अवैष्णवः। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों को जो वचन है वो हमारी ही वचन है, वो मेरे ही आज्ञा मानो। उन आज्ञाओं का जो उल्लंघन करता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति मेरा वैष्णव भी हो, भक्त भी हो, तो वो द्रोही कहलाएगा। अब हम भगवान के अगर वचनों का उल्लंघन न करें तो द्रोही तो माने ही माने जाएंगे। इसलिए बहुत ही सतर्क होकर शास्त्रों के जो भी नियम है, यथाशक्ति हमें उसे पालन करना चाहिए। इसी में से एक अनुष्ठान है एकादशी। एकादशी के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, लेकिन एकादशी का जो मूल उद्देश्य है उसे हम नहीं जान पाते हैं। हम समझते हैं कि केवल उस दिन भूखा रह जाएं तो एकादशी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकादशी दिन केवल अन्न का परित्याग तो करते हैं, लेकिन उदर पूर्ण कर लेते हैं। बहुत प्रकार के फल, बहुत प्रकार के जो ऐसे व्यंजन होते हैं, उसे उस दिन भरपूर उसका सेवन करते हैं और सोचते हैं कि केवल मैंने अन्न का परित्याग कर दिया तो मेरा एकादशी हो गया। ऐसा नहीं है। किसी भी विषय का एक मूल उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या है? भगवान के मन की तृप्ति, भगवान के मुख का उल्लास होना चाहिए। उस दिन अगर हम भगवान के जो भी बताए गए मार्ग हैं, जो पथ हैं, जो उनके अनुसरण करने योग्य विषय हैं, अगर उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान के मुख के उल्लास हेतु अगर हम भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, उनके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, तो ऐसे एकादशी के दिन अगर आप पूरे दिन भूखे भी रहें तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, फल नहीं है। हमेशा उसका उद्देश्य हमेशा मन में एकदम निश्चित होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिया भी देखा जाए, लौकिक दृष्टिया भी देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टिया भी देखा जाए, पारलौकिक दृष्टिया भी देखा जाए, तो एकादशी व्रत का जो महात्म्य है, जो प्रभाव है, बहुत ही अति उत्तम माना गया है। हम सभी दिन ऐसे ऐसे व्यंजनों का सेवन करते हैं जो व्याधि के घर कर कर जाते हैं, व्याधियों का स्थान बन जाता है हमारा शरीर। शास्त्रों में भी बताया गया है कि किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ही मसाले वाले भोजन लोग करते हैं, ऐसे भोजन को हम लोग असात्विक कहते हैं, तामसिक राजसिक होता है। बहुत ही सात्विक रूप से भोजन बनाकर भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद हमें बनाना चाहिए, और भगवान को सेवन करा कर ही नैवेद्य बोला जाता है, निवेदन कर कर ही हमें उस प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे मन की जितनी भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी हमारे मन में पाप बैठे हुए हैं, वो दूर हो जाएं। इस भगवान के मतलब प्रसाद के ग्रहण करने से ऐसा प्रभाव हमारे मन में आता है, सात्विक वृत्तियां प्रवृत्त होती हैं। इसीलिए हमें भगवान को भोग लगाकर ही, निवेदन कर कर ही हमें किसी भी प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम कई जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जाने अनजाने में अभक्ष भक्षण कर जाते हैं। अभक्ष यानी कि जिसे हमें भक्षण नहीं करना चाहिए उसका भी हम भक्षण कर लेते हैं। अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या करें, दोस्तों ने कह दिया तो हमने इसका सेवन कर लिया। लेकिन अगर हम यह प्रतिज्ञा कर ले किसी भी पदार्थ का हम भगवान को सेवन करा कर ही हम सेवन करेंगे, तो हमसे यह गलतियाँ हो ही नहीं सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्या है कि अगर आपका भोजन शुद्ध हो तो आपकी स्मृति भी दीर्घ स्मृति बनी रहती है,
और भगवान के चरणारविंदों में भक्ति भी हमेशा किसी प्रकार की चलायमान न होकर स्थिर रहती है, मन भी सात्विक रहता है, अच्छे चीजों में प्रवृत्त होता है। तो एकादशी के बहुत सारे महात्म्य हैं। लौकिक दृष्टिया देखा जाए तो हम इस एकादशी के माध्यम से क्या करते हैं कि अगर सही ढंग से इस एकादशी को हम अपनाएं तो हमारे शरीर में जो भूखे रहने से, उस दिन उपवास करने से, जिसे हम संस्कृत में उपवास कहते हैं, हिंदी में भी इसका ज्यादातर प्रयोग होता है, उपवास करना। उपवास यानी कि उस दिन आपको कम से जो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के जो फल हैं, दोनों को देने वाली और बहुत ही प्रकार के जो जीवन में हमारी इच्छाएं होती हैं उनको भी पूरा करने वाली जो एकादशी है वह कई प्रकार से बतलाई गई है। जैसे कि उत्पत्ति एकादशी हो, वैसे ही जजा, विजया, प्रबोधनी इत्यादि 24 प्रकार के एकादशियां बताई गई हैं। अगर सही ढंग से, सही प्रकार से हम इस एकादशियों का व्रत का अनुष्ठान करें तो हमारे जीवन में अवश्य ही जो उत्तम फल होंगे वो जरूर प्राप्त होंगे। जो भी इच्छाएं हमारी होती हैं वो जरूर ही भगवान की कृपा कटाक्ष से अवश्य पूरे होंगे। तो एक प्रकार के लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भी ये होती हैं। और जो पारमार्थिक दृष्टिया देखा जाए, जो शास्त्रों के वचन के माध्यम से देखा जाए, जैसे कि सबसे उत्तम जो फल होता है वह मोक्ष बतलाया गया है, क्योंकि मोक्ष से बढ़कर हमारे जीवन में से सबसे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता है। कुछ जो हमारे अल्पकालिक सुख होते हैं उनको पाने के पश्चात हम समझते हैं कि यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सुख है, इसके ऊपर, इसके पश्चात और जीवन में पाने के लिए कुछ है ही नहीं। यह हमारी सोच है, हमारी धारणा है। लेकिन अगर शास्त्रों के दिव्य दृष्टियों से देखा जाए, हमारे आचार्यों के, पूर्वाचार्यों की दृष्टि से देखा जाए, तो जो सबसे बड़ा फल होता है, सबसे बड़ा जो सुख होता है वह मोक्ष ही होता है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमारे जितने भी आचार्य मुनिगण होते हैं वो तपस्या करते हैं, भगवान की प्रपत्ति करते हैं, शरणागति करते हैं, भगवान को पाने की चेष्टाएं करते हैं। अनेक प्रकार के जो भी ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित हैं उनका हम अनुसरण अगर सही ढंग से करें तो अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हमारे लिए दुष्कर बात नहीं हो सकती है। क्योंकि बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी भगवान के साधन के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब अनुष्ठान हैं, जितने भी हमारे जीवन में बतलाए गए जो भी कर्म हैं यह भगवान को आनंदित करने के लिए ही हैं। एकमात्र उद्देश्य यही है कि भगवान इससे संतुष्ट हों। चलो हमारा जो पुत्र है, भगवान के 3 पुत्र माने जाते हैं, एक नित्य होता है और एक मुक्त होता है और एक बद्ध होता है। नित्य तो जैसे कि विश्वक्सेन हो, गरुड़ जी हो, लक्ष्मी जी हो, ये सब भगवान के नित्य पार्षद में आते हैं, भगवान के नित्य अनुयायी होते हैं। और जो मुक्त होते हैं वो जो संसार से विमुक्त होकर भगवान की सानिध्य को प्राप्त कर चुके होते हैं, ऐसे आत्मा को हम मुक्तात्मा बोलते हैं। और जो बद्ध होते हैं इस संसार में, अभी भी मोक्ष के प्रति जो हमेशा भगवान के शरणागति के माध्यम से भक्ति भाव में लीन रहते हैं, इस भवसागर में पड़े हुए होते हैं, ऐसे आत्माओं को हम बद्धात्मा कहते हैं। ये भी भगवान के ही पुत्र होते हैं। 3 पुत्र अगर मान लो किसी को हो, एक पुत्र अगर विदेश में, एक पुत्र घर पर और एक पुत्र कहीं बगल में हो, तो माँ जो अपने यहाँ पुत्र हमेशा विद्यमान रहता है उसके प्रति ज़्यादा चिंतित नहीं रहती है। जो विदेश में हो उसके प्रति हमेशा माँ चिंतित रहती है, माता पिता दोनों चिंतित रहते हैं कि हमारा जो विदेश में बच्चा है वह कब घर आएगा, कब मेरे नयन को वह संतुष्टि देगा, कब मैं उसे आलिंगन करूंगी, कब उसे प्राप्त करूंगी, यह चिंतन हमेशा माता पिता के अंदर रहते ही रहते हैं। उसी तरह जो हमारे परम पिता भगवान श्रीमन्नारायण हैं, वो भी अपने जो बद्धात्माएँ होती हैं, यानी कि जो बद्ध आत्मा यानी कि जो मनुष्य प्राणी होते हैं, उनके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं, कैसे इन अपने जो तृतीय पुत्र हैं इनको प्राप्त करूंगा, कब मेरे को ये प्राप्त करेंगे, कब ये अपने जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा को जानेंगे। दासभूता स्वतः सर्वे ख्यात्मान परमात्मनः, इन शास्त्र वचनों को ये कब समझेंगे कि मैं ही भगवान का परम दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं, उसके अतिरिक्त जितने भी लौकिक विषय हैं ये अस्थाई हैं, मेरे जीवन के काम के नहीं हैं, इनसे मैं हटकर कब भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलकर भगवान को प्राप्त करूंगा।
क्योंकि भगवान के प्राप्त करने में कुछ बाधाएं होती हैं। अनादिकाल से अनादि पाप रचिताम अंतःकरण अनिष्ठिताम यतीन्द्र विषये सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान को प्राप्त करने में जो बाधाएं होती हैं वो होती हैं भगवान के विषय में, और भगवान के जो बंधु होते हैं जिसको हम भागवत कहते हैं उनके विषय में अगर अपचार हम करें, बार बार शास्त्रोक्त विधियों का हम अनुसरण न करते हुए अपने इच्छा के अनुसार अगर हम बर्ताव करते हैं तो भगवान बहुत ही दुखित होते हैं। बताओ, इसके लिए हमने इतने सारे अवतार लिए, इतने सारे आचार्यों को हमने भूधरा पर भेजकर इसको अपने सानिध्य में लाने की हमने चेष्टाएं की, क्योंकि भगवान खुद दुखित होकर बताते हैं कि बहूनि मे जन्मानि व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, और इतना ही नहीं अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीन तनुमाश्रितिम, जो मैं इस कृष्ण रामादि अवतार को हमारे जो भक्त होते हैं, जो इस लौकिक धरा पर विद्यमान प्राणी मात्र होते हैं, वे उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। मानुषीन तनुमाश्रितिम अवजानन्ति, मेरे जन्म को व्यर्थ समझते हैं, उसका अवमानना करते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मेरे को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भगवान दुखित होकर बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि बस सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को, यानी कि सभी धर्मों को छोड़ने का मतलब यह नहीं होता है कि सभी धर्मों को वास्तव में छोड़ दो, सभी धर्मों को करते हुए उसमें कर्तृत्व भावना से विहीन होकर उन सभी धर्मों का पालन करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सभी सांसारिक बंधनों से छूट देकर, सभी से छुटकारा तुम्हें दिलाकर मैं अपने सानिध्य को तुम्हें प्राप्त करा दूंगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के जो साधन बतलाए गए हैं उन साधनों का हमें अनुसरण करना चाहिए। उसी में से होती है एकादशी नामक एक व्रत। इन एकादशी में बहुत सारे, जैसे कि 24 एकादशियां हैं, उन सभी एकादशियों में जो भी उन एकादशियों का महात्म्य है, जो भी फलश्रुतियां हैं, जो भी विधि विधान हैं, उनका हमें सही ढंग से उसका पालन करना चाहिए ताकि हमें उसका फल भी हम तक पहुंच पाए। ऐसे एकादशी का जो महत्व है हम तो सभी जानते ही हैं, अपने जो महानुभाव गण होते हैं उनके माध्यम से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों में इसका वर्णन है उसको हम जान लेते हैं। पूर्व काल में, बहुत ही पूर्व काल में, मुर नामक एक बहुत ही भयंकर दैत्य रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने एक बार दैत्यों को अपने साथ जोड़कर देवलोक पर आक्रमण कर दिया, और देवलोक में जितने भी इंद्र इत्यादि जो भी देवतागण थे उन सभी को अपने पराक्रम से वहां से भगा दिया। अब देवतागण उसके डर से, उसके भय से इतने त्रस्त हो गए कि वो वहां पर एक क्षण के लिए भी रह नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने दौड़ते दौड़ते महेश्वर के पास जाकर उनसे याचना की कि हे भगवान, किसी तरह इस मुर नामक जो भयंकर राक्षस है उसे हमें बचाइए, हमारी रक्षा करें, आपके अलावा इस भयंकर राक्षस से हम कोई नहीं बचा सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, हमारे शरण में आयो हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय जरूर हम बताएंगे। तब जाकर वो बोलते हैं कि हे देवतागण, तुम यहां से क्षीराब्धि में जाओ। क्षीराब्धि में भगवान श्रीमन्नारायण शेषशय्या पर लेटे हुए हैं, अगर उनसे जाकर तुम सहायता मांगोगे तो वो शरणागत वत्सल जो भगवान श्रीमन्नारायण है उन्हें तुम्हें अवश्य ही वो शरणागत समझकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस दैत्य का संहार करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। जब इन्होंने ऐसे मधुर वाणी भगवान शिव से सुनी तब वहां से वो क्षीराब्धि के लिए प्रस्थान कर भगवान के सानिध्य में पहुंचे और भगवान की बहुत सारे स्तोत्रों से स्तुति की कि हे शरणागत रक्षक, आपके जैसा दूसरा कोई हमें पालन करने वाला कोई भी देवता नहीं है, कृपा कर हमारी जो दशा है उस दशा को समझकर, हमारी स्थिति को समझकर इस भयंकर राक्षस से हमें छुटकारा पाए। तब भगवान उन सभी देवताओं के दुख को हरण करने की इच्छा से उन देवताओं के माध्यम से इस मुर नामक राक्षस की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को उन देवताओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तब जाकर तालगंज नामक एक स्थान पर उस राक्षस से भयंकर युद्ध करते हैं। अपने चक्र के प्रभाव से उन सभी राक्षसों के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी उनके सहायक सैनिक हैं, उन सभी का एक एक कर भगवान वध करते हैं। और वध करने के पश्चात भी भगवान करुणा के सागर हैं, वो अपने मोक्ष को ही प्राप्त कराते हैं, क्योंकि भगवान के शंख से, चाहे चक्र से, चाहे किसी भी आयुध्य से
किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु होती है तो भगवान की ही शरण में सभी जाते हैं। तो भी एक लीला है कि जो भी अगर किसी को कष्ट देगा तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसीलिए भगवान इन दैत्यों का वहां संहार करते हैं। संहार करने के पश्चात बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और अपने परिश्रम को दूर करने के इच्छा से वहां पर लेट जाते हैं। लेकिन जो मूर नामक राक्षस था वह अपने अहंकार से प्रेरित होकर वहां भी पीछा करते करते भगवान के सानिध्य तक बद्रिका आश्रम में पहुंच जाता है। जब भगवान को लेटे हुए देखकर वो समझता है कि भगवान हमसे डर गए हैं, भगवान हमसे त्रस्त होकर यहाँ पर छिपे हुए हैं, तब प्रहार करने की सोच से भगवान को दौड़ता है। तभी भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न होती है और वह उस भयंकर राक्षस से युद्ध करने की इच्छा से उसे ललकारती है कि अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो अभी युद्ध करो। तब जाकर वह मूर नामक राक्षस उसे युद्ध करता है और अंततोगत्वा वह जो कन्या थी वह अपने पराक्रम से उस मूर नामक व्यक्ति को वहीं पर परास्त कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। वही कन्या कालांतर में जाकर एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान उस कन्या को उसके प्रभाव से बहुत ही संतुष्ट होकर कई सारे वरदानों को देने के लिए प्रेरित करते हैं। तब वह कन्या कहती है, हे प्रभु, अगर आप मेरे प्रभाव से संतुष्ट हैं, खुश हैं, आनंदित हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि जो भी मेरे दिन यानी कि एकादशी के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसे लौकिक पारलौकिक जितने भी सुख हैं उन्हें आप तुरंत दें। आप उन लोगों को सभी इच्छाओं को पूरा करें, यही मेरी अभिलाषा है, यही आपसे प्रार्थना है। तब भगवान कहते हैं कि हे दिव्य कन्ये, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दिन जो भी मेरा अनुसरण करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरा गान करेगा, मैं उसे अवश्य ही उनके इच्छाओं को पूरा करते हुए उनको मैं अपने परम धाम को भी प्राप्त कराऊंगा। तब भगवान जाकर उसे संतुष्ट कर वहां से विदा लेते हैं। यह कहानी कई सारे शास्त्रों में, कई सारे पुराणों में बतलाई गई है। विशेष रूप से श्री स्कंध पुराण में भी इसकी व्याख्या मिलती है, विवरण मिलता है। तदनुसार हम आपके सामने इस विषय को हमने प्रस्तुत किया। ओम नमो वेंकटेशाय। आज हम मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नामक एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं। श्रियकांताय देवाय कल्याण निधये निधयेर्थिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदी का स्वरूप भगवान श्री वेंकटेश्वर के महती कृपा से हम सभी एकादशियों का महात्म्य आपके सामने प्रस्तुत करते आ रहे हैं। उसी क्रम में हम आज मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी मनाई जाती है जिसका नाम मोक्षदा है, मोक्षम ददातीति मोक्षदा, जो मोक्ष को प्रदान करने वाली है, उस एकादशी के महात्म्य के बारे में यथाशास्त्र हम आपके सामने विषय को प्रस्तुत करेंगे। इस एकादशी का क्या महात्म्य है उसे सार के रूप में आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बहुत ही एक अद्भुत और सुंदर एक श्लोक है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विधिहीनं तु यः कुर्याते सुकृतं मेरुमात्रकं अनुमात्रं न चाप्नोति फलं धर्मस्य नारद नातः परतरा काचित् मोक्षदा विमला शुभ पुण्यसंख्यां तु राजेन्द्र न जानेऽहं तु यैः कृताः। यानी कि जो यह मोक्षदा नामक एकादशी है, अगर विधिवत इसका अनुष्ठान किया जाए तो इसका मतलब जो पुण्य होता है वो मेरु के समान होता है। अगर विधि को छोड़कर मनमर्जी से अगर इसका अनुष्ठान किया जाता है तो अनुमात्र भी इसका फल नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, यह जो है तस्य पापम क्षयम जाति मृतो मोक्षम अवाप्नुयात। अगर कोई मृत व्यक्ति नरक को प्राप्त हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को भी इस एकादशी का अगर कोई उसका संतति अनुष्ठान करता हो तो उसके माध्यम से वह
मोक्ष को प्राप्त कर जाता है, यानी क्या, भगवान का सानिध्य उसे प्राप्त होता है। तो ऐसे अद्भुत मोक्षदा नामक एकादशी का जो महात्म्य है वह हम इन श्लोकों के माध्यम से जो शास्त्रों में वर्णित है उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से संवाद के रूप में इस विषय को जानना चाह रहे हैं और बोल रहे हैं कि वंदे विष्णु प्रभु साक्षात् लोकत्रय सुखप्रदम विश्वेशम विश्वकर्तारम पुराणम पुरुषोत्तम पृच्छामि देवदेवेश संशयोस्ति महान् मम लोकानां तु हितार्थाय पापानां च क्षयाय च मार्गशीर्ते सिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। भगवान श्री कृष्ण की बहुत प्रकार से स्तुति करने के पश्चात वह भगवान से जानना चाह रहे हैं कि मार्गशीर्ष महीने के यानी कि धनुर्मास में सीते यानी कि शुक्ल पक्ष में किस प्रकार की एकादशी होती है, उसके करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है और आगे उनका क्या महात्म्य है, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। उनके इन बहुत ही शुभ देने वाले प्रश्नों को सुनकर, हित देने वाले प्रश्नों को सुनकर भगवान अति प्रसन्न होते हैं और भगवान उनके सामने इन महात्म्यों को प्रकटित कर रहे हैं कि श्री भगवान वाच सम्यक पृष्टम त्वया राजन साधुते विपुलम यशः कथयिष्यामि राजेन्द्र हरिवासरम उत्तमम। यह जो हरिवासर यानी कि भगवान हरि का जो दिन है ना, बहुत ही शुभ प्रदान करने वाला होता है। इसका कोई भी अनुष्ठान अगर विधिवत करे तो उसको असंख्य फलों की प्राप्ति होती है, उसकी गणना भी नहीं की जा सकती है, इतने फल ऐसे मनुष्य को ऐहिक और पारलौकिक रूप से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे प्रश्न करने वाले तुम्हारी कीर्ति बहुत ही वृद्धि हो कीर्ति की, क्योंकि अच्छे प्रश्न भी किसी किसी व्यक्ति के ही भगवान की कृपा से मन में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ऐसी भावना उत्पन्न होने के लिए आचार्यों की और भगवान की कृपा की जरूरत होती है। क्योंकि ऐसे लौकिक वातावरण में अगर कोई ऐसी सात्विक बुद्धि के साथ में अगर व्यवहार करता हो तो बहुत ही आश्चर्य ही है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना यह सब संभव नहीं है। इसीलिए हमेशा साधुओं की महात्माओं की संगति करनी चाहिए ताकि आपके मन में ऐसी सात्विक प्रवृत्तियां, ऐसे सात्विक ध्यान आपके मन में हमेशा बना रहे। तो फिर भगवान कह रहे हैं प्रशंसा करके, उत्पन्ना शासिते पक्षे द्वादशी मम वल्लभा मार्गशीर्षे समुत्पन्ना मम देहान नराधिपा। हे मेरे प्रिय युधिष्ठिर, इसके पहले की जो एकादशी है जिसे हम उत्पन्ना नामक एकादशी के रूप में जानते हैं, उस एकादशी के बारे में विधिवत मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। उस एकादशी की जो महात्म्य है ठीक उसी महात्म्य के अनुकूल इस एकादशी का भी महात्म्य है। तो ऐसे में इस एकादशी का अगर तुम अनुष्ठान करोगे तो निस्संशय ही तुम अवश्य ही मुझे प्राप्त करोगे, सभी प्रकार के लौकिक सुखों को भी तुम भोग सकोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पूर्वम एकादशी राजन ने त्रैलोके सचराचरे मार्गशीर्षे सिते पक्षे चोत्पत्ति इति नामतः अतः परम प्रवक्ष्यामि। तो पूर्व में यानी कि इसके पूर्व जो एकादशी है उसके बारे में पूरी तरह हमने जो विषय आपके सामने प्रस्तुत किए उनके प्रस्तुतिकरण के पश्चात अब इस एकादशी के बारे में बतलाने जा रहे हैं जो मोक्षदा नाम से प्रसिद्ध है। तो इस एकादशी के बारे में जो कथानक है उसको भी भगवान यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसके पश्चात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम बहुत ही एक प्रकार से सुलभता से लेते हैं, यानी कि पितृगणों को कोई भी इंसान देखे तो लोग समझते हैं कि पितृगण तो अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या उसे भी ऊपर के लोकों में पहुँचे होंगे, तो उनको पितृतर्पण करने से क्या फ़ायदा, क्यों हम उनके लिए पिंडदान करें। तो ऐसी सोच अवश्य ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देव विषय में और पितृकार्य में हमें कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन हो चाहे मतलब उन पितृदिवस का जो महीना हो, अवश्य ही उन महीनों में उन दिनों में हमें पितृतर्पण करने चाहिए ताकि उन्हें ऊर्ध्व गति की प्राप्ति हो, क्योंकि हम सामूहिक रूप से अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं। तो जो अधोगति को प्राप्त हुए होंगे अपने कर्मों के अनुसार, नरक को प्राप्त हुए होंगे, ऐसे पितरों को हमारे तिलांजलि से, तर्पण से, श्राद्ध से, पिंडदान से उन्हें ऊर्ध्वगति की प्राप्ति होती है और उसके परिणाम स्वरूप वे हमें आशीर्वाद देते हैं, मंगलाशासन करते हैं कि हमारी संतति हमेशा वृद्धि की ओर पहुँचे, हमेशा ये सफल रहें, हमेशा जीवन में सुख से जीवन व्यतीत करें। तो ऐसे सोच से हमें
अवश्य ही इन पितृ कार्यों को समय समय पर करना चाहिए। और उसी को लेकर यह कथानक है। एक राजा हैं, उनके पिता अपने पूर्व कर्मों के अनुसार यमलोक को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उनकी इन व्यथा को सुनकर, स्वप्न में सुनकर, जानकर उनके जो पुत्र हैं वो मोक्षदा नामक एकादशी का अनुष्ठान करते हैं, अपने पिता को मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। तो संतति का यही सबसे बड़ा दायित्व है, सबसे बड़ा एक अपने पितृगणों के लिए करने वाला एक ऋण है, ऋण से उऋण होने का एक मौका है, तो अवश्य ही सभी लोगों को करना चाहिए। तो आगे बोल रहे हैं कि देवम दामोदरम तस्याम पूजये च प्रयत्नतः तुलस्या मंजरीभिश्च धूप दीपैर मनोरमैः। इस दिन भगवान श्रीमन्नारायण का धूप और दीपों से और तुलसी के दलों से अवश्य ही अर्चन करना चाहिए। तत्पश्चात शृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि कथां पौराणि किं शुभां अधोगतिं गतां ये वै पितृमात्र सुतादयः। ये मैं नहीं, खुद भगवान ही अपने वचनों के माध्यम से कह रहे हैं कि और अधो योनि को प्राप्त पितृगण हो, चाहे मातृगण हो, चाहे अपने संततिगण, सुतादयः पुत्र ही क्यों न हो, अगर वो यमलोक को प्राप्त हुए हो तो अवश्य ही इस मोक्षदा नामक एकादशी का अनुष्ठान से अपने ऊर्ध्वगति को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और बता रहे हैं कि अस्या पुण्य प्रभावेन स्वर्गम यान्ति न संशयः एतस्मात् कारणात् राजन्य महिमानं श्रुणुष्वतम चंपके नगरे रम्ये वैष्णवीः सुभूषिते वैखानसेति राजर्षिः पुत्रवत् पालयन् प्रजाः। वैखानस नाम के एक बहुत बड़ा राजा हुआ करते थे चंपक नगर में, और बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के थे। उनके नगर में प्रजा को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। समय समय पर जो भी अनुष्ठान हुआ करते थे, उन वैदिक अनुष्ठानों का वो पालन करते थे। तो भी एक दिन उनके स्वप्न में एक बार एक दृश्य दर्शन हुआ, और उस दृश्य के माध्यम से वह बहुत ही विचलित हो गए। इतने विचलित हुए कि वो सुबह में उठकर उनको मन को शांति नहीं मिल रही थी, और उस प्रश्न का जवाब ढूंढने में वो लग गए। तो उनको मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हम इतने सारे अनुष्ठान करते आ रहे हैं, इतने सारे हम वैदिक कर्म करते आ रहे हैं, लेकिन उनके फल के प्रभाव से हमारे पितृगणों को अब तक मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। हमारे स्वप्न में ऐसे ऐसे दृश्य आ रहे हैं जिनके माध्यम से हमें आभास हो रहा है कि हमारे पितृगणों को, हमारे पिताजी को अभी तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। तो उन्होंने तब जाकर अनेक ऋषियों के, अपने विप्रों के माध्यम से इस जिज्ञासा को शमित करने का समाधान उन्होंने जानना चाहा और पूछा कि एतद् ब्रुवान् सतदा मया दृष्टः पिता स्वयं तदा प्रभृतसो विप्रा नाहं शर्म लभाम्यहम्। मैंने अपने स्वप्न में अपने पिता को देखा है, और वो विचलित होकर कह रहे हैं कि मैं किसी न किसी अपने पूर्व कर्म के अनुसार तदनुगुण मैंने अधोगति को प्राप्त किया हुआ है, कृपया कर मुझे तुम अपने दायित्व समझकर मुझे इस पाप से निवृत्ति कराकर मुझे मोक्ष प्रदान करो। ऐसे ऐसे दृश्य हमें स्वप्न में आ रहे हैं, तो इसका क्या समाधान हो सकता है? इस विषय को लेकर अपने जो मंत्रीगण हैं, आमात्य हैं, जो उनके पंडित हैं उनके सभा में, उनके माध्यम से वो जिज्ञासा को शमित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और बोल रहे हैं किम करोमि क्व गच्छामि शरीरम में सुदक्ष्यते दानम व्रतम तपो योगो ये नैव मम पूर्वजाः। मैं क्या करूं, किसी भी प्रकार से मुझे शांति नहीं मिल रही है, मेरे शरीर में ज्वलन उत्पन्न हो रहा है, दान व्रत तप योग इन सभी के माध्यम से मैंने अपने पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति करानी चाहिए, लेकिन आज भी मोक्षम आजान्ति विप्रेन्द्राः तदेव कथयन्तु मे। मैं ऐसे कौन सा अनुष्ठान करूँ जिसके माध्यम से तप करूँ, योग करूँ, कौन सा अनुष्ठान करूँ जिसके माध्यम से जो मेरे पूर्वजगण हैं वो मोक्ष को प्राप्ति करें। तो वो बोल रहे हैं कि ब्राह्मणा हा ऊचुहु, जो ब्राह्मण गण थे, जो विद्वान गण थे, ऐसे विद्वानों ने कहा कि पर्वतस्य मुनेरत्र आश्रमो निकटेन्द्रप गम्यताम राजशार्दूल भूतम भव्यम विजानतः। जब हमें किसी विषय के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो हमें जो साधु लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, जो विद्वानगण होते हैं, जो भगवान के ही आश्रित रहने वाले हैं, ऐसे भूत और भव्य को जानने वाले ऐसे महात्माओं को ही शरण में जाना चाहिए, ताकि हमें सुकून मिले, हमें हमारे प्रश्नों का समाधान मिले। तो इन विषयों को मन में रखते हुए वो इन ब्राह्मणों के आज्ञाओं का पालन करते हुए पर्वतस्य मुने है, पर्वत नामक एक
मुनि के आश्रम में जाते हैं और वहां पर जाकर तेषां श्रुत्वा ततो वाक्यं वैखानसो वैखानो राजसत्तमः जगाम तत्र चाप्यासो आश्रमे पर्वतो मुनि। ब्राह्मणों से चारों ओर से वेष्टित होते हुए, वेष्टित मतलब घिरे हुए, उन पर्वत महामुनि को देखकर बहुत ही संतुष्ट हुए और उनके चरणारविंदों में नतमस्तक होते हुए उन्होंने कहा, जगाम चावनी मूर्धना दंडवत प्रणनाम च पप्रच्छ कुशलम तस्य सप्तसु अंगेषु असौ मुनिः। जब उन्होंने उनके चरणारविंदों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया तो उन्होंने भी कुशलक्षेम पूछा और साथ ही साथ उनके परिवारजनों की, उनकी जो भी स्थितियाँ थी उनके बारे में जानकारी ली और सभी के बारे में मंगला शासन किया। और राज्य निष्कंटकत्वं च राज्यम सौख्यम समन्वितम राजोवाचा। इन सभी शुभ वचनों को सुनकर बहुत ही आह्लादित हुए और राजा ने पूछा, तव प्रसादात् भो विप्र कुशलम मेंग सप्तके विभयेषु विभवेषु अनुकूलेषु कश्चित् विघ्नः उपस्थितः। आप सभी महात्माओं के आशीर्वाद से मेरे राज्य में सब प्रकार के सुख की प्राप्ति है, प्रजा भी बहुत ही संतुष्ट है, लेकिन इतने सारे वैभव होते हुए भी कहीं ना कहीं मेरे राज्य में विघ्न की उपस्थिति हो गई है, मेरा मन बिल्कुल ही अशांत रहता है। ऐसे अशांति को दूर करने के लिए क्या समाधान हो सकता है, उसके बारे में आप मुझे अवगत कराएं। तब बोल रहे हैं कि एवं श्रुत्वा नृपवचः पर्वतो मुनिसत्तमः ध्यानस्तिमित नेत्रोऽसौ भूतं भव्यं विचिन्तयत्। जब ऐसे वचनों को उन्होंने सुना तो तत्काल ही एक बार उन्होंने अपने नेत्रों को निमीलित करते हुए, नेत्रों को बंद कर कर उनके पिता की जो भूत और भव्य है यानी कि भविष्यत है उसके बारे में उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और सब विषयों को आत्मसात करते हुए उन्होंने उनसे निवेदित किया। क्या निवेदित किया? पूर्व जन्मनिते पित्रा सपत्नी कृतद्वेषतः कामासक्ते न चैकत्र ऋतुभंगः कृतस्त्रियाः। हे राजन, पूर्व जन्म में जो आपके पिता यानी कि मृत्यु को प्राप्त होने के पहले आपके पिता स्त्री कृतत द्वेषतः सपत्नी कृतत द्वेषतः यानी कि सपत्नियों के द्वेष के कारण उन्होंने एक स्त्री का क्या किया, ऋतुभंगः ऋतुभंग कर दिया। ऋतुकाल में समागम नहीं करना चाहिए लेकिन उस ऋतु को भंग करने की वजह से उन्हें बहुत बड़ा पाप लगा है जिसके वजह से वो नरक को प्राप्त हुए हैं। तो यह एक विषय हमें जानने की अभिलाषा करनी चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए कि हमें कब शास्त्रों के अनुसार स्त्री समागम करना चाहिए, वो भी शास्त्रीय दृष्टिया करना चाहिए, काम के वासना से नहीं। क्योंकि रघुवंश में एक बहुत ही सुंदर श्लोक देखने को मिलता है, प्रजाजी गृह मेधिनाम त्यागाय संभृतार्थानाम, यानी कि त्याग यानी कि देने के लिए ही धनों का रक्षण संरक्षण करना चाहिए और यशसे विजिगुषु नाम, यश के लिए ही वो युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे और प्रजाजी गृह मेधिनाम, प्रजा यानी कि संतति प्राप्ति के लिए ही हमें स्त्री समागम करना चाहिए यानी कि धर्म पत्नी के माध्यम से, न कि काम के पूर्ति हेतु। यह जो चरित्र है यह हमें रघुवंशियों के माध्यम से सुनने को मिलता है। तो अतः रघुवंश में यह चरित्र आता है। तो अतः हमें समझना चाहिए कि मतलब किस समय पर समागम हो तो किस प्रकार की पुत्र की प्राप्ति होती है, क्योंकि शास्त्रों में और स्मृतियों में इस चीज का वर्णन है। हम सही विषयों को न जानने के वजह से दुष्ट पुत्रों को भी प्राप्त कर लेते हैं जिसके वजह से घर में अशांति ही अशांति बनी रहती है। अतः अगर शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो जो युग्म तिथियां हैं, जो अच्छे दिन हैं, उन दिन पर धर्मपत्नी के माध्यम से संयोग होने पर अच्छे पुत्रों की संतति की प्राप्ति होती है। तो इन विषयों को ध्यान में रखते हुए हमें इन विषयों का आचरण करना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपने स्त्रियों का इन्होंने क्या किया कि ऋतुभंग किया, ऋतु के समय में कभी भी समागम नहीं करना चाहिए जिसके वजह से इन्हें पाप लगा और नरक की प्राप्ति हुई। तो आगे बोल रहे हैं कि कर्मणा तेन सततम नरके पतितोक्षयम्, उस कर्म के वजह से, कर्म के परिणाम स्वरूप ये सर्वदा आजकल नरक में ही निवास कर रहे हैं। तो राजा बोल रहे हैं कि केन वै व्रतदानेन मोक्षस्तस्य भवेन् मुने नरयात् पाप संयुक्ता ते तम आचक्षु पृच्छतः। तो बोल रहे हैं कि किस प्रकार के व्रत करने के माध्यम से इनके इस कर्म के परिणाम स्वरूप जो फल की प्राप्ति हुई यानी कि नरक की प्राप्ति हुई है उसे कैसे छुटकारा मिलेगा, कैसे इनको विमुक्ति मिलेगी, हे प्रभो हे ऋषिवर कृपा करके आप उसके बारे में मुझे जानकारी दें। तो वो ऋषि बोल रहे हैं कि मार्गशीर्षे सिते पक्षे मोक्षा नामनी हरेश तिथि
सर्वैस्तु तद्व्रतं कृत्वा पित्रे पुण्यं प्रदीयताम। आप अपने जितने भी आपके परिचर हैं, जितने भी आपके परिवार के लोग हैं, उन सभी के साथ मिलकर आप हरि दिने यानी कि भगवान हरि के दिन यानी कि एकादशी के दिन आप विधिवत इस मोक्षदा नामक एकादशी का अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो अवश्य ही आपके पितरों को और आपके पिताजी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इन सब विषयों को जानकर बहुत ही वो हर्षोल्लासित होकर अपने सभी परिवारों के साथ में अपने राज्य को प्राप्त करते हैं और वहां पर जाकर क्या करते हैं, अंतःपुरचरैः सर्वैः पुत्रधारैः तथा नृपः व्रतं कृत्वा विधानेन पुण्यं दत्त्वा नृपायतते। जितने भी अंतःपुरचरैः अंतःपुर में जितने भी उनके परिचर थे, जितने भी उनके पुत्र और पत्नियां थी, उन सभी के साथ में मिलकर बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त कर वहां पर इस मोक्षदा नामक व्रत का अनुष्ठान करते हैं और अनुष्ठान करने के पश्चात इस व्रत के अनुष्ठान का जो फल है वो अपने पिता को दान करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो इंसान अपने द्वारा जिस अनुष्ठान का अनुसरण करता है या आचरण करता है उसी को फल प्राप्त हो। अगर उसके जगह पर कोई उसकी संतति इस अनुष्ठान का आचरण करती है तो उस आचरण के माध्यम से अधोगति को प्राप्त पितृगण को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो यह कथा जो है इस मोक्षदा नामक एकादशी के माध्यम से हमें ज्ञात होती है। तो अवश्य ही पुण्य नामक नरकात त्रायते थे पुत्र, पुत्र का भी एक अर्थ भी है शास्त्रों के माध्यम से कि जो पुण्य नामक नरक से रक्षा करता हो, त्राण करता हो, ऐसे किसी पुत्र को पुत्र कहा जाता है। तो यह हमारा धर्म है कि अपने पितृगणों के लिए हम समय समय पर ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करें, एकादशियों का अनुष्ठान करें ताकि उनको भी ऊर्ध्वगति की प्राप्ति हो। तो आगे वो बोल रहे हैं कि वैखानस पिता तेना गतः स्वर्गम स्तुतो गणैहि। वैखानस पिता मतलब उस वैखानस के माध्यम से जितने भी इस एकादशियों का अनुष्ठान था उन्होंने क्रम से किया और विशिष्य यह जो मोक्षदा नामक एकादशी है, इस मोक्षदा नामक एकादशी का सभी अपने परिच्छद यानी कि अपने परिवार गणों के साथ युक्त होकर श्रद्धा भाव से यानी कि दशमी के दिन क्या करना चाहिए कि बहुत ही श्रद्धा भाव से उस दिन स्नान करके और उसके पश्चात सुबह में श्रद्धा भाव से दंत धावन इत्यादि जितने भी क्रियाएं हैं सुबह की वो करने के पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए दान करना चाहिए। क्या दान करना चाहिए, पहले तो आपको धूप दूप इत्यादि धूप दीप इत्यादि चीज़ों से भगवान का आराधन करना चाहिए और भगवान के बारे में जो भी स्तुतियां हमारे पूर्वाचार्यों ने की है उन स्तुतियों का हमें स्मरण करना चाहिए, वाचन करना चाहिए और लोगों को भी सुनाना चाहिए ताकि हमारा जो जीवन जीने का जो सार्थकता है वो संपन्न हो। क्योंकि जीवन में सब कुछ केवल अपने जीवन को सार्थक बनाना यानी कि केवल लौकिक सुखों को प्राप्त करना ही नहीं होता है, क्योंकि यह जीवन ही सबसे बड़ा एक नश्वर चीज है। तो ऐसे में आप इस शरीर के माध्यम से जिन विषयों को प्राप्त करेंगे वो किसी ना किसी दिन वो नश्वर ही होंगे, नष्ट ही होंगे। तो हमें कारणंतु ध्येय, जो परम पुरुषार्थ है उस परम पुरुषार्थ के प्राप्ति हेतु जो परम कारण है मोक्ष प्रदान करने वाला उस जनार्दन यानी कि भगवान श्री कृष्ण की हमें कृष्ण का ध्यान करना चाहिए और उन भगवान को स्मरण करने हेतु जितने भी अनुष्ठान हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं उन अनुष्ठानों का भी आचरण करना चाहिए ताकि किसी न किसी प्रकार से भगवान का स्मरण बना रहे। यही सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है इन अनुष्ठानों का। ये नहीं कि हम मतलब इन अनुष्ठानों के माध्यम से लौकिक चीजों की हम प्राप्ति कर लें, क्योंकि भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो भगवान को प्राप्त करा दे। या विद्या सा विद्या या विमुक्त, ये वही विद्या सफलीभूत मानी जाती है जिस विद्या के माध्यम से हमें मुक्ति मिल जाए और वह मुक्ति भगवान श्री नारायण के आराधन से ही संपन्न है। अतः हमें यथासंभव भगवान श्री कृष्ण उनके विषय में जितने भी अनुष्ठान बतलाए गए हैं उन अनुष्ठानों को भगवान की प्राप्ति का एक जरिया मानते हुए, माध्यम मानते हुए उसका अवश्य ही श्रद्धा भाव से अनुष्ठान करना चाहिए। और उसी विषय को हमें समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया है कि जो मोक्षदा नामक एकादशी है या एकादशी आप अपने लिए भी कर सकते हैं, अगर करते हैं तो आप जीते जी बहुत सारे लौकिक विषयों को प्राप्त करेंगे, अगर आपके पितृगण नरक को प्राप्त हुए हैं तो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब फलश्रुति बता रहे हैं कि एवं यह कुरुते राजन्य मोक्षदयी ही एकादशी मीमा
तस्य पापं क्षयं याति मृतो मोक्षम अवाप्नति। अगर कोई व्यक्ति इस मोक्षदा नामक एकादशी को अनुष्ठान करता है तो वह सभी पापों से विमुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है और उस एकादशी के माध्यम से उसके पितृगण भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, यानी कि भगवान के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। नातः परतरा काचिन मोक्षदा विमला शुभा, इस मोक्षदा के बढ़कर ना कोई शुभ या विमल कोई व्रत हो सकता है और इसको करने वाले जो पुण्य को प्राप्त करते हैं उन पुण्य की संख्या को भी कोई नहीं गिन सकता है, इतना अनंत फल उनको प्राप्त होता है। तो चिंतामणि समाक्षेषा स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनी, चिंतामणि के समान किसी भी प्रकार के फलों की प्राप्ति करा देती है, स्वर्ग को मोक्ष को भी प्रदान करती है। अतः ऐसे मोक्षदा नामक एकादशी का आप सभी विधिवत अनुष्ठान करें और भगवान श्री वेंकटेश्वर की कृपा का कारण बने, यही प्रार्थना करते हुए भगवान श्री वेंकटेश के चरणों में मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ। ओम नमो वेंकटेशाय। सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि, हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।